अस्सलाम वालेकुम, मिक्स प्लेट में खुश आमदीद। मैं हूं आसिम लियाकत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और खैरियत आफियत से होंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उम्मीद है आप लोगों ने भी अपने इंतज़ाम किए होंगे गर्मियों से बचने के लिए। अच्छा, तो मैं बताता चलूँ कि आज मैं अपनी नाइट ड्यूटी करके आया था और अभी फ़्रेश हुआ हूँ, तो मुझे होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिले हैं। अच्छा, तो आपको होम मिनिस्ट्री का नहीं पता? अरे भाई, घर की जो वाइफ होती है, जो आपकी वाइफ होती है, वो घर की होम मिनिस्ट्री से कम नहीं होती। तो उनकी तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि ऊपर अब्बा जी ने कोई सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं, तो उसमें कद्दू शरीफ उगाया है, तो उसका रायता बनाना है, तो वो तोड़ के ले आएँ। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कद्दू जो है, उसका रायता गर्मियों में बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए और गर्मी से आपको बचाता भी है। तो आएँ चलें, फिर जल्दी जल्दी तोड़ के लेकर आएँ और ताकि फिर आराम कर सकें, क्योंकि नाइट ड्यूटी में पूरी रात जागना ही होता है और काम करना होता है। तो चलते हैं तोड़ने। आपको दिखाता भी हूँ कद्दू शरीफ की बेल किस तरह की होती है। ये देखें, ये कद्दू शरीफ की बेल लगी हुई है। छत पे हमने लगाई भी है और आपको उम्मीद है कद्दू शरीफ दिख भी गया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बड़ा बेहतरीन है भाई। अच्छा जी, तो आए इसको अब हम तोड़ते हैं। जी, एक तो ये हो गया और एक यहाँ पर और भी लगा हुआ है। ये देखें, ये छुप कर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और ये आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये देखें कहाँ छुप के बैठा हुआ, ये निकालो, इसको भी काट लेते हैं। ये ज़बरदस्त हो गया भाई। चलो भाई, आज का टारगेट अचीव्ड हो गया। ये देख सकते हैं आप कि ये दो अदद कद्दू शरीफ हमने तोड़ लिए हैं रायते के लिए, और अगर आप ये वजन में लगाएं तो मेरे मुताबिक आधा किलो तो है दोनों मिलाकर। तो आज हम इसका रायता बनाएंगे और गर्मियों से बचने के लिए अपना इंतज़ाम करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।